अगर आपको लगता है कि गुरुकुल हब से जुड़कर आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा CHSL स्पेशल क्लास में टॉपिक है, वह टॉपिक है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो आज हम साझेदारी को अच्छे से समझेंगे और उन क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके SSC CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं 6-7 क्वेश्चन आपको कराकर चलूंगा और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बाकी आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि ए स्टार्ट्स सम बिजनेस विद ₹50,000 आफ्टर 3 मंथ, बी जॉइंस हिम विद 70,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है 3 महीने के बाद, बी 70,000 रुपए की पूंजी के साथ उसमें शामिल हो जाता है ना, शामिल हो गया। और ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। देखिए, जो भी व्यक्ति जिस अनुपात में अपनी शेयरिंग करता है, अपनी जो कैपिटल है अपने धन का, जितना जिस अनुपात में वो शेयर करेगा, ठीक है, और उसी अनुपात में उनको प्रॉफिट होगा। तो सीधी सी बात है, आप इनको रेशियो में रखिए, अनुपात में उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है, अपनी धनराशि लगाई है, उसी अनुपात में उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टाइम का एक अलग फैक्टर होता है। देखिए, टाइम क्या है कि ए ने 50,000 की पूंजी तो लगाई लेकिन 3 महीने बाद भी आया, और पूरे 1 साल की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो तो पूरे 12 महीने काम करेगा, ठीक है, बिजनेस करेगा, और बी उससे 3 महीने बाद आया यानी कि केवल 9 महीने के लिए, है ना। तो सबसे पहले 3 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर लीजिए और 12 5 60 और 9 7 63 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दुनी 6 0 और 3 दुनी 6 3 1 3 20:21 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करके चलेंगे आप इस क्वेश्चन को। टाइम के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल होगी और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट का रेशियो यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्टार्ट्स ए बिजनेस विद 25,000 आफ्टर 4 मंथ्स, वाई जॉइन हिम विद 20,000, व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक्स ने 25,000 की पूंजी निवेश की, ठीक, 25,000 रुपए की पूंजी कर रहा है निवेश एक्स, और उसके 4 महीने के बाद वाई 20,000 रुपए की पूंजी निवेश करता है, तो दोनों वर्ष के अंत में प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अब सीधी सी बात है, जब ये 12 महीने रहेगा पूरा और इसके 4 महीने वाई आ रहा है यानी कि 8 महीने के लिए, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, 5 से काट सकते हैं, 5 5 25 और 5 4 20, चाहते तो आप इसे भी यहीं काट लेते हैं, 4 3 12 और 4 2 8, 5 3 15 और यहां हो जाता है 4 2 8, यानी कि 15:8 15:8 आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चलेंगे। एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:2:4 आफ्टर 6 मंथ, ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर एंड बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट एज बिफोर, वाइल सी विदड्रॉ 1/4 ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ए बी और सी 1 2 4 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, तो होता क्या है कि 6 महीने बाद इसमें आधी और इन्वेस्ट कर देता है, तो एक में आधा और इन्वेस्ट करेगा यानी कि 1.5 हो जाएगा, है ना, यानी कि 3/2 मान लीजिए, है ना। अब ये क्या करता है, ये इसमें उतनी ही कर देता है, जितनी थी उतनी ही, यानी कि 2 पहले था 2 और हो जाता है, और ये क्या करता है कि 1/4 इसमें से कम कर लेता है, तो 4 का 1/4 कितना होगा, 3, ठीक, कितने, 6 6 महीने के लिए, तो 6 महीने ये होगा, 6 महीने ये, 6 महीने 6 महीने, तो फिर वो तो आपस में कैंसिल हो जाने हैं, तो उसका कोई इश्यू है भी नहीं। तो आपको करना क्या है, बस इनको प्लस कर लीजिए, ये होगा 2 1 2 और 3 5/2 4 और 4 3 7, ये कितना है, एक मिनट, ये है बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि, हाँ तो 4 है ना, ठीक, और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर राशि और निवेश की, तो 4 हो जाएगा आगे,
ठीक 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 चार यहाँ पर होगा तो ये होगा चार और दो छः, क्योंकि पहले तो दो थी, दो और करी तो अगले छः महीने तो चार रहेगा ना फिर, और यहाँ पर हमें प्लस करना है दो और चार छः, और चार और तीन सात। अब क्या करना है, फाइव तो टू की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, टू की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो फाइव रेशियो सिक्स इंटू टू यानी कि ट्वेल्व, और सेवन इंटू टू यानी कि फोर्टीन, पाँच अनुपात बारह अनुपात चौदह हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में मिल जाता है सी ऑप्शन। क्लियर है? तो ए ने एक लगाया, फिर छः महीने बाद आधा और बढ़ाया यानी कि तीन बटे दो डेढ़ हो गया, बी ने दो लगाया और उतनी ही और आगे ऐड कर दी तो यानी कि अगले छः महीने के लिए चार रहेगा, सी ने चार लगाया लेकिन एक बटे चार कम कर लिया यानी कि तीन रहेगा, तो सबको प्लस किया और रेशियो निकाल लिया तो पाँच बारह चौदह हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि ए स्टार्ट इज बिजनेस विद 45,000 एंड बी ज्वाइन आफ्टर वार्ड विद 30,000 इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ऑफ वन ईयर वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो टू रेशियो वन रेस्पेक्टिवली देन बी वुड हैव ज्वाइन ए फॉर बिजनेस आफ्टर। तो ये 45,000 के साथ बिजनेस शुरू कर रहा है ए, और बी 30,000 के साथ। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 तीय 45 और 15 दुनी 30। ठीक, ये है इसकी कैपिटल, टाइम यहां रखते हैं हम, पहले कैपिटल रखते हैं फिर टाइम, और नीचे आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट नीचे आता है ना। टाइम हमें यहां पर नहीं पता है, ठीक, बी के लिए नहीं पता है, ए के लिए तो पता है हमें, लेकिन हम सबसे पहले जाएंगे इसके प्रॉफिट पर। प्रॉफिट का रेशियो है 2:1, 2:1 हमें निकालना है टाइम। अब टाइम हम यहां तो जानते हैं, ये तो 12 है, लेकिन टाइम यहां से बनेगा क्या, फॉर्मूला जो बनेगा हमारा टाइम का वो बनेगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करके ही तो बनाते हैं प्रॉफिट। तो अगर हमें टाइम निकालना होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट अमाउंट कॉस्ट यानी कि 2/3 रहेगा ए के लिए, और 2/3 किसके बराबर है, यहां पर किसके बराबर है, वो बराबर है 12 के, जो कि एक वर्ष यहां पर दिया हुआ है हमें, तो 2 × 12 और 6 × 3 हो जाता है 18 आएगा। उस 18 के लिए आप यहां पर जब बनाएंगे तो ये कितना बनेगा, 1/2 प्रॉफिट अपॉन कैपिटल 1/2, और 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 के, तो 2 × 18 यानी कि अगर इसने 12 महीने के लिए बिजनेस किया है तो इसने 9 महीने के लिए बिजनेस किया है। तो आंसर क्या होगा, बी ने 9 महीने के लिए बिजनेस किया, लेकिन आंसर पूछा है बी ने कितने महीने बाद बिजनेस शुरू किया, तो इसने 12 किया, इसने 9 किया, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे यानी कि 3 months हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी टाइप का है, उसे देख लेते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 5:6 एट द एंड ऑफ 8 months, एक्स विदड्रॉ हिज कैपिटल इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:9, फाइंड हाउ लॉन्ग वाई इन्वेस्ट वॉज यूज। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की, 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली, यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात कीजिए कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। अब एक्स है एंड वाई है, ठीक, एक्स है एंड वाई है, और पूंजी निवेश कर रहे हैं, कैपिटल जो है वो है 5:6 के रेशियो में, ये कैपिटल है, टाइम हमें नहीं पता, हमें यहाँ पर प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट दे रखा है 5:9 के रेशियो में। अब आपको करना क्या है, इसको अपॉन ये रखेंगे, है ना, टाइम निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होगा, ठीक, तो 5/5 ये तो 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 9/6 यानी कि 3×9 × 3×6। अब ये जो बराबर है वो किसके है, किसके बराबर दे रखा, 8 महीने, क्योंकि इसने 8 महीने ही पूंजी लगाई है, बाकी टाइम के लिए उसने निकाल दी थी, तो इसने कितने समय के लिए लगाई ये पूछा है, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे, 2 × 8 4×3 12, तो 12 months यहाँ पर आंसर आपका आ जाता है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके चलेंगे। चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पर, और सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 25,000 एंड स्टार्टेड ए बिजनेस, बी ज्वाइन हिम आफ्टर 1 year विद एन अमाउंट ऑफ ₹30,000 आफ्टर 2 years फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस, दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ 46,000, व्हाट विल बी द 5 share in the profit।
कहने का मतलब यह है कि ए ने व्यापार की शुरुआत में 25,000 रुपए की पूंजी निवेश की, एक वर्ष के बाद 20,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि व्यापार की शुरुआत के दो वर्ष बाद 46,000 रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। अब वहाँ पर टोटल प्रॉफिट भी आ गया है ना, टोटल प्रॉफिट भी आ गया और हमसे पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट में बी का हिस्सा कितना है। अब ए ने लगाया है 25,000 और बी ने लगाया है 30,000, 0.0 से 0.5, 25 और 5 6 30, 5:6 के रेशियो में वो कैपिटल लगा है। ठीक है, दो वर्ष के व्यापार की शुरुआत के दो वर्ष के बाद 30। अब ये देखते हैं कि ए ने दो वर्ष के लिए वो पैसा लगाया है, दो वर्ष यानी कि 24 महीने के लिए, और बी आता है उसके एक वर्ष बाद, यानी कि उसका जो पैसा लगता है वो केवल एक वर्ष के लिए लगता है, यानी कि 12 महीने के लिए, है ना, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे आप, यहां पर इसे काट लीजिए, 12 दुनी 24 और 12 एकम 12, 2 पंजे 10, ये तो 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 6 एकम 6, 2 3 6, टोटल हो जाता है ये 8 और 8 की कंपैरिजन करानी है, हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो है 46,000, है ना, 46,000 टोटल प्रॉफिट है, हमें चाहिए बी का प्रॉफिट। तो बी का प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी का प्रॉफिट निकालेंगे 3/8 × 46,000, 8 से काट लीजिए, 8 5 40 बचेगा 6, 8 7 56, 8 5 40 0, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 0 0, 3 5 15 और 7 21 और 1 22 का 2 5 15 2 17, तो 17,250 रुपये हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर हुआ, 17,250 आंसर हो जाता है। हमने क्या किया कि ए 25,000 है, बी 30,000 है, 0 कैंसिल की, 5 आया 6 आया, इसने 2 साल के लिए लगाया यानी कि 24 महीने, इसने 12 महीने के लिए लगाया बी ने, और सॉल्व किया तो ये हुआ 10:6 यानी कि 5:3 और ये होता है 8 और 8 तो बी का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 3/8 यानी कि 3/8 × 46,000, अगर ए के लिए पूछता प्रॉफिट तो ए यानी कि 5/8 × 46,000 और आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संभावित हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके चले। उम्मीद करता हूँ आज के बताए हुए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आप इनकी अच्छे से तैयारी भी करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।